हाय एवरीवन, आज अपन जानेंगे ट्रेजरी बिल्स होते क्या है और एज ए इन्वेस्टर हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एफडी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। तो ट्रेजरी बिल का मतलब है व्हेन गवर्नमेंट नीड शॉर्ट टर्म फंड्स, गवर्नमेंट इशू करते हैं ट्रेजरी बिल। ताकि अच्छा, ये ट्रेजरी बिल की जरूरत कब आती है, फंड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट होता है, जो बजटेड रेवेन्यू है ना, वो उतना नहीं आता है। मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम हो जाता है। सो जिसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो जहाँ पे लगता है गवर्नमेंट को कि अपना रेवेन्यू अपने एक्सपेंस से मैच नहीं होगा, ओके, तो खर्चे तो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, शॉर्ट टर्म लोन आपसे लेते हैं जिसका नाम है ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेजरी बिल एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है तो आपको इशू किया जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो वेन एवर दे नीड शॉर्ट टर्म फंड्स इशू किया जाता है। तो बेसिकली आरबीआई भी ऐसे बिल इशू करती है, ठीक है, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। काफी बार इन्फ्लेशन लेवल कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो ये ट्रेजरी बिल का एक पर्पज है टू मीट द शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। या सपोज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है एंड दे स्पेंड अकॉर्डिंगली, या उसको फंड्स को कंट्रोल करने के लिए आपसे पैसा लिया जाता है ताकि अगर आपके पास पैसे नहीं बचेगा तो आप खर्च नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी गवर्नमेंट ये टूल को दोनों तरफ से यूज करती है। सो दिस हेल्प देम टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपसे पैसा लिया जाएगा तो इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। इकोनॉमी में जब पैसा कम होगा तो आपका स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगा। स्पेंडिंग पावर कम होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये टूल है गवर्नमेंट यूज करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। एंड सेकेंड उसका बेनिफिट है, जब भी उनको पैसे की जरूरत है वो इसको रेज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था। अभी मैं आपको उसके थोड़े फीचर्स बताता हूँ एंड ये एफडी से कैसे अलग है वो भी बताता हूँ। सो पहला है, ये जो ट्रेजरी बिल है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया जाता है, जैसे 14 डेज ट्रेजरी बिल, 91 डेज ट्रेजरी बिल, 182 डेज एंड 364 डेज। तो इतने समय तक ये बिल आपको इशू किया जाता है, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। तो ये उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, एफडी का आपके हिसाब से होता है बट ये गवर्नमेंट का फिक्स रहता है। ठीक है, नाउ अभी ये तो हो गया फीचर्स, अभी आप देखेंगे सर डिफरेंस क्या है दोनों में। सी फर्स्ट थिंग, इफ यू टॉक फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, जो पहला पॉइंट है जो सब लोग जानना चाहते हैं, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है तो गवर्नमेंट कैन नेवर रन आउट ऑफ फंड्स, तो ये सबसे सेफेस्ट है। एफडी भी सबसे सेफ ही होते हैं, बट इफ यू आस्क मी कंपेयर टू एफडी, सी यू पुट मनी इन एनी एक्स वाई जेड बैंक एंड यू गिव इट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट। बैंक में आगे जो कुछ गड़बड़ हो गया तो बैंक प्रॉब्लम में आ सकती है, बट गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आ भी गए तो आपको उनको पैसा देना ही पड़ता है, करेक्ट ना। तो गवर्नमेंट का सेफ्टी ज्यादा है, ये हो गया रिस्क। लिक्विडिटी इफ यू आस्क मी ट्रेजरी बिल को ज्यादा है क्योंकि आप इसको सेकेंडरी मार्केट में भी डील कर सकते हो। एफडी भी लिक्विड है ऐसा नहीं, बट कुछ लिक्विड कुछ एफडी में लॉकिंग पीरियड रहता है कि 5 साल के पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ एफडी। जैसे अपने बैंक में टैक्स सेविंग एफडी किया तो 5 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, तो एफडी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट ऑन ट्रेजरी बिल देखो, ये पीरियड भी छोटा है प्लस आप उसको सेकेंडरी मार्केट में भी सेल कर सकते हो। यस, देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट जहां पे इसका डीलिंग होता है, तो ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा, इन्वेस्टमेंट दिस इज वेरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, एफडीज आर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल। इसका पीरियड खाली 364 डेज है, बाद में आपको वापस लेना पड़ेगा, तो पीरियड वाइज ये कम रहता है। एफडी में यू कैन पुट मनी फॉर लॉन्गर पीरियड। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ अगर बात करेंगे तो इस पे ये टैक्स फ्री है। यस, इसका जो इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलता है इस पर टीडीएस वगैरह कट नहीं होता है, लेकिन बैंक में आपको एफजी में जो इंटरेस्ट मिलता है, करेक्ट ना, वो 40,000 और 50,000 के ऊपर। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक बेनिफिट है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80TTB, एंड बाकी लोगों के लिए 40,000 तक बेनिफिट है। उसके ऊपर तो मिलेगा तो क्या होगा, फिर वो टैक्स फेल होगा। उसके ऊपर जो मिलेगा तो क्या होगा, टैक्स फेल होगा, दैट इज द थिंग। तो ये उसका बेसिकली फर्क है। सो ये चार पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है, पहला रिस्क, लिक्विडिटी,
रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट पीरियड एंड इनकम टैक्स एप्लीकेशन, या इम्प्लीकेशन, ये पांचों चीज़ें समझ के आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो इफ़ यू वांट मनी विद इन फ्यू डेज, आपको ज़्यादा समय तक एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो बेस्ट है गो फॉर ट्रेजरी बिल। बस उसके रिटर्न्स थोड़े एफडी से कम रहेंगे, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है एंड गवर्नमेंट ऑल्सो जानती है कि हमारे पास पैसा मतलब वो सेफ पैसा है। तो ये आपको पांच डिफरेंस ध्यान में रखना है बिफोर यू इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल। कौन से पांच? रिस्क, लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स एंड इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन। ये पांच चीजों आपको कंपेयर करना है विद एफडी एंड देन यू पुट मनी इन दिस फंड। तो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है, वो जरूर देखना। थैंक यू।